देखिए ये है ज्योति सर का परिसर, ये सरोवर। लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट होने वाला, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है। स्कूली बच्चे भी आ रखे हैं। समय सदा गतिमान रहा, बहता रहा, चलता रहा, और मैं अचल अटल अडिग यही एक जगह गड़ा रहा, खड़ा रहा। पर फिर भी हम साथ थे, क्योंकि समय के अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद अनवरत प्रवाह को मैंने अपने इसी स्थान से ठौर से सतत सनातन निरंतर देखा है। इसी थान से मैंने थानेश्वर महादेव या स्थानेश्वर को इस धर्म क्षेत्र में आते देखा है। इसी स्थान से मैंने सारी सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा को विष्णु जी की नाभि से स्वयं सर्जित होते देखा है। इस जगह से मैंने सरित सरस्वती की धर्म धारा को कलकल बहते निहारा है, और इसी ठौर से मैंने दृषदवती नदी को प्रवाहित होते देखा है। यही गड़े खड़े मैं साक्षी रहा हूं ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर बनाने और उसमें नहाने का। यहीं से मैंने सन्निहित सरोवर में 7 सरस्वतियों को समाहित होते अवलोकित किया है, और इस ज्योतिसर से तो मेरा जन्म का नाता है। इस सरोवर के किनारे जन्म लेकर, इसके जल से सिंचित होकर, इसी स्थल पर इतिहास को बनते बिगड़ते बदलते देखा है। आपके सम्मुख विद्यमान इस वट वृक्ष ने, इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ दानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने क्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और पुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था, जब आर्यों के इसी उत्तर वेदी ब्रह्म वेदी आर्याना में अपौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ। इस पवित्र भूमि ब्रह्मावर्त में मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ होत्र की समिधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते भी देखा है। फिर कुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत, पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसने एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। सच कहें तो महाभारत का युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था जब जुए के मादक और मारक खेल के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को हस्तिनापुर के अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था। जिसे द्यूत का व्यसन हो उसे जुए की चौपड़ से दूर रखना असंभव होता है। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर पांसे फेंक रहे थे और कौरवों की ओर से मामा शकुनी। एक एक कर
सारे दांव गांव धन धान्य और संपत्ति पांडव हारते चले गए। कहां है वो दासी द्रौपदी? सुशासन, उसे इस दरबार में ले आओ। दुनिया तो देखे कि मैंने आज क्या जीता है। पूरे राजमहल में सन्नाटा पसरा था और उस नीरव मौन में केवल सुयोधन का अट्टहास गूंज रहा था। पांच पतियों की पत्नी पांचाली, उस दिन तो तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया था, किंतु आज तुझे देखकर मैं अचंभित हूं। रूपवती द्रुपद कन्या, अभी भी ना तूने मुझे ठीक से देखा है ना जाना है, पर ना तेरी हिम्मत ना होती इस तरह मुझे भरे दरबार में घसीट देती। पापी! सही तो कह रही है, अभी तूने मुझे ना ठीक से देखा है न जाना है। सुशासन, चलो निर्वस्त्र कर दो इस दासी को। बस कर सुयोधन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का ऐसे अपमान करने की? आप ही बताइए ना, युद्ध में हारी हुई स्त्री पर किसका अधिकार होता है, जीतने वाले का या उसे हार जाने वाले का? बचा सकता है लाज अपनी इस सखी की। गलती की मुझे दूर द्वारिका से बुलाने की, यदि तू कहती मेरे मन बसिया कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था। कृष्ण ने उस दिन अपनी सखी कृष्णा की लाश तो बचा ली, किंतु इस घोर पाप, इस जघन्य अपराध, संपूर्ण स्त्री जाति के इस अनादर के बाद संसार को प्रलयंकारी युद्ध से बचाना अब केशव के लिए भी संभव नहीं था। कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र बनाने की तैयारी में तमाम जंगल जलाए जाने लगे, पेड़ काटे जाने लगे। सौभाग्य से पता नहीं कैसे मैं उस दिन बच गया, या दुर्भाग्य से, क्योंकि अगले 18 दिनों में जो नरसंहार, जो रक्तपात, जो छलबल, जो नृशंस हत्याएं, जो मूल्यों का हनन, जो मानवता का पशुवत चेहरा मैंने देखा, उससे अच्छा था कि मुझे भी काट डाला गया होता या जला दिया गया होता। किंतु सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षौहिणी सुसज्जित सेनाएं यहीं इस सामने के मैदान में एकत्र होने लगी।
से जो जीत दिखे झलक 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 गज सेना थमक 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 अग्नियस्त्र धधक 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 इधर कुरुक्षेत्र में युद्धोन्मुख सेनाएं एकत्र हो चुकी थीं और उधर दूर हस्तिनापुर के राज प्रासाद में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र सब कुछ देखने को व्याकुल थे। देखना तो दुर्भाग्य से असंभव था जन्मांध राजा के लिए, किंतु कदाचित उनके अंधेपन की प्रतिपूर्ति के लिए ही उनके रथवाहक संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान था जिससे वो दूर की चीजों को देख सकते थे। युद्ध के लिए एकत्र हो गए हैं तो संजय उन्होंने क्या किया है? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए कौरवों में वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म सिंह की तरह दहाड़ उठे। और उन्होंने युद्ध का शंख फूंक दिया है। उनके इंगित पर अनेक शंख रणभेरियां ढोल रिदंग और रणसिंगे एकाएक बज उठे हैं। दूसरी ओर श्वेत अशो वाले बड़े रथ में आरुढ़ धनुर्धर अर्जुन और उनके साथी माधव कृष्ण बैठे हैं। उन दोनों ने भी अपने अपने दिव्य शंख पांच जन्य और देवदत्त बजा दिए। उधर भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय में फूंक मार दी। पांडवों की ओर से और भी अनगिनत शंख बज उठे हैं स्वामी, और उनके विस्फोटक कोलाहल से आकाश धरती कंपित हो उठे और आपके पुत्रों के साथियों और समर्थकों के हृदय भी कांप गए हैं महाराज। यह पांडु पुत्र अर्जुन ने देखा कि अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले हैं तो उसने भी अपना धनुष गांडीव उठा लिया, किंतु तभी एक विचित्र बात हुई। अर्जुन ने अपने साथी ऋषिकेश कृष्ण से कहा कि वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाए ताकि वो देख सकें कि उन्हें किस किस से लड़ना है। अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे। कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा, भोगों का हम क्या करेंगे? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पितर, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। भले ही तीन लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या है। माना यह आतताई है, किंतु वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर माधव हम सुखी कैसे हो सकते हैं? कायर मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन जवानी बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी धीर बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है।
इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तू कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश कि मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूं, हर कल्प में होता हूं। कूर्म अवतार वराहश्च। वाह वाह। नरसिंह अवतार कलयुग का। वामन अवतार हो तेरी। राम अवतार। रामश्च चतुर्दश। हम अपने मित्र भी स्वयं ही हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी। जो बहुत खाता है ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। ना ही बहुत सोने वाले को मिलता है और ना ही बहुत जागने वाले को। जो यथा योग्य खाता है, जो यथा योग्य पैदल चलकर विहार करने आता है, कर्म में यथा योग्य प्रयास करता है, जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना जागना चाहिए उतना जागता है, ऐसे योगी का योग ही दुखों का नाश करता है। यही तो विलक्षणता थी श्री भगवान के उद्गारों की, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की बात समाहित थी। अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया। वो मूर्ख लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा महत्व घटाते हैं, जो ये समझते हैं कि ये समस्त भूत प्राणियों का महेश्वर और अजन्मा मैं इन सभी कार्यों को करने के लिए इस मानव देह पर आश्रित हूं। वो मेरे परम भाव, मेरे परमात्मा तत्व को न जानते हैं न पहचानते हैं, किंतु मैं पत्र पुष्प फल जल जो कोई भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं ऐसे भक्त का हर उपहार बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूं। दोनों को एक समान समझता है जो क्षमा से भरा हुआ है। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो संतोषी है, सदा योगी है, आत्मा को जीतने वाला है, इरादों का पक्का है और मन बुद्धि सब मुझ पर अर्पित करता है। इसलिए हे पार्थ, तू सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। पांडव श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन। अर्जुन, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, स्मृति वापस लौट आई है, संदेह दूर हो गए हैं और अब मैं दृढ़ हूं कि अब से आपका कहा करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानी, शंका और निराशा छू मंतर हो गए और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रत्यंचा तान दी। अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता था।
उधर दूर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे दूरदृष्टा संजय के मन से भी सारी शंकाएं और भय दूर हो चले। देखते देखते श्री कृष्ण बड़े होने लगे, विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत आंख, असंख्य चेहरे, अनगिनत हाथ हो गए, जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। कोई ऐसी देवी देवता भगवान गंधर्व यक्ष अप्सरा ना थे जो उनमें विद्यमान ना हो। वो अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था और एक गोल घूमती गूंजती वाणी दशों दिशाओं से गुंजायमान थी। मैं अक्षर हूँ, अनिर्देश्य हूँ, अव्यक्त हूँ, सर्वज्ञ हूँ, चिंतन से परे कूटस्थ हूँ, अचल हूँ, धूप हूँ। मैं ही भूतों के भीतर स्थित आत्मा, उनका निजित्व, उनका अपनापन हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु, प्रकाश पुंजों में सूर्य, मारुतों में मारीची, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, पशुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओम, यज्ञों में जप, अजर पदार्थों में हिमालय, पेड़ों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, मुनियों में कपिल, अश्वों में उच्चैः हवा, गजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गौओं में कामधेनु, जन्मदाताओं में कामदेव, नागों में वासुकी, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुण, मछलियों में मगरमच्छ, पवित्रकर्ताओं में पवन, ऋचाओं में बृहद साम, छंदों में गायत्री, ऋतुओं में वसंत, नदियों में गंगा, शस्त्रज्ञों में राम, विद्याओं में आध्यात्म, सृष्टियों का आरंभ अंत मध्य मैं ही हूँ। कभी समाप्त होने वाला काल भी मैं हूँ। पार्थ, सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूँ। भविष्य में होने वाले जन्मों का कारण भी मैं ही हूँ। मैं विश्व तो मुख हूँ, ये पूरा विश्व मेरा मुख है। बड़भागी था जो उस दिन भगवान का विश्व रूप अपनी आंखों देख पाया और व्यास जी की कृपा से वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच का यह गुप्त संवाद स्वयं सुन सका, जिसमें सभी उपनिषदों का, समस्त ब्रह्म सूत्र का और समुच वेदांत का सार केवल 700 श्लोकों में समाहित था। तभी तो कहते हैं कि जिसने इस उपनिषद ब्रह्म विद्या योग को जान लिया और श्रीमद् भगवत गीता को मान लिया, वह वास्तव में विद्वान, सचमुच में सर्वज्ञ और यथार्थ में योगी बन जाता है। आशा है आज की इस रात के बाद कल का सवेरा आपके जीवन में एक नया प्रकाश, नई आशाएं और निष्काम कर्म के प्रति एक नवीन ऊर्जा लेकर आएगा। तब तक मैं केवल इतनी ही कामना करूंगा, सब सुखी हो, निरोगी हो, कल्याण हो सबका और कोई दुख ना होगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।